आम आदमी पार्टी के नेता करना चाहते थे अपनी मम्मी की पसंद की लड़की से शादी, और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी नहीं करना चाहती थी किसी राजनेता से शादी, लेकिन दोनों ही पलट गए अपने बयान से। जी हाँ, राघव चड्ढा कहते थे कि मम्मी जिस लड़की से शादी करने के लिए बोलेंगी मैं उसे शादी कर लूंगा, लेकिन अब राघव चड्ढा अपनी मम्मी की पसंद की लड़की से नहीं बल्कि अपनी पसंद की लड़की से करने जा रहे हैं शादी। जी हाँ, राघव चड्ढा का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उनसे शादी को लेकर सवाल किया गया और पूछा गया कि आप शादी कब कर रहे हो। इसका जवाब देते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि जैसे मेरी मम्मी कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेती है मैं उससे शादी कर लूंगा। तब रिपोर्टर ने कहा था कि लगता है कि आपने कोई लड़की अपने लिए अभी तक नहीं देखी है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा की गिनती देश के इंटेलिजेंट लीडर्स में से होती है। उनकी गुड लुकिंग भी है और फीमेल फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी राघव ने लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी अपनी मम्मी को दे रखी थी। फाइनली राघव अपनी मम्मी की पसंद की लड़की को नहीं बल्कि अपनी पसंद की लड़की को दुल्हन बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, राघव चड्ढा परिणीति से शादी करने जा रहे हैं तो उनका पुराना इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है। राघव के बाद परिणीति चोपड़ा का भी एक पुराना इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि वो पॉलिटिकल लीडर से शादी कभी नहीं करेंगी। दरअसल परिणीति चोपड़ा सिद्धार्थ मल्होत्रा के संग अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही थी, तभी उनसे पूछा गया कि आप किससे शादी करना पसंद करेंगी, किसी बॉलीवुड स्टार से या फिर किसी राजनेता से। तभी उन्होंने कहा, क्या बोला नेता, मैं अपनी जिंदगी में किसी भी नेता से शादी कभी नहीं करूंगी, कई बेहतर ऑप्शन है लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी नेता को अपना दूल्हा बनाऊं। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के पुराने बयानों के बीच अब उनकी सगाई की तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही हैं। बताया जा रहा है कि इनकी सगाई में परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त भी शामिल होंगे। प्रियंका चोपड़ा भी अपने पति और बेटी के साथ परिणीति की सगाई में मौजूद रहेंगी। पिछले दिनों परिणीति और राघव को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, इस दौरान वो काफी मुस्कुराते हुए नजर आए लेकिन उन्होंने मीडिया से कुछ कहा नहीं, पर उनकी मुस्कुराहट से सब जाहिर हो गया। इससे पहले परिणीति चोपड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था और उन्हें खुद राघव चड्ढा रिसीव करने पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अपनी सगाई की तैयारियों में पूरी तरह से बिजी हैं।